हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है जकी, मेरे पास है सैमसंग गलेक्सी फ़ोन। और गाइस, यहाँ पर मैंने एक बहुत ही कमाल का फ़ॉन्ट इंस्टॉल करके रखा है अपने सैमसंग गलेक्सी फ़ोन में। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कितना ज़्यादा कमाल का ये फ़ॉन्ट लग रहा है। अगर आप लोग अपने सैमसंग गलेक्सी फ़ोन में इस फ़ॉन्ट को लगाते हैं ना, तो फ़ोन का जो लुक है ना गाइज़, वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। बहुत ही कमाल का ये फ़ॉन्ट है। अगर आप लोग यहाँ पर टाइप करते हैं ना अपने कीबोर्ड से, तो यहाँ पर गाइस कमाल का यहाँ पर फ़ॉन्ट देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कितना ज़्यादा कमाल का लग रहा है। अगर आप लोग अपने सैमसंग गलेक्सी फ़ोन में लगाना चाहते हैं, तो आज मैं आप लोग को 5 ऐसे बेस्ट फ़ॉन्ट बताने वाला हूँ आपके सैमसंग गलेक्सी फ़ोन के लिए। कैसे लगाया जाता है वो भी मैं बताऊँगा, बहुत ही ईजी तरीका है लगाने का। वीडियो को यहाँ पर लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं, वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, और गाइज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं कि आप लोग कैसे वो फ़ॉन्ट लगाएंगे। सबसे पहले गाइज आपको यहाँ पर मैं लेके चलता हूँ अपने सेटिंग में, और सेटिंग में ले जाकर आपको फ़ॉन्ट दिखाता हूँ कौन कौन से फ़ॉन्ट मैंने यहाँ पर इंस्टॉल करके रखे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कितना कमाल का ये फ़ॉन्ट लग रहा है। आप लोग भी अपने सैमसंग गलेक्सी फ़ोन में इसको लगा पाएंगे। सिंपली गाइज आपको सेटिंग में आ जाना है, उसके बाद यहाँ पर चलना है डिस्प्ले के अंदर में। डिस्प्ले में आने के बाद यहाँ पर मिल जाता है फ़ॉन्ट साइज़ एंड स्टाइल, इस पर टैप करना है और यहाँ पर फ़ॉन्ट देखने के लिए मिल जाता है, इस पर टैप करना है। और यहाँ पर देख सकते हैं गाइज कुछ यूनिक फ़ॉन्ट्स मैंने यहाँ पर इंस्टॉल करके रखे हुए हैं, बहुत ही यूनिक है। बहुत सारे लोग गाइज यहाँ पर पसंद भी करते हैं ये सब फ़ॉन्ट अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना। तो यहाँ पर गाइज देख सकते हैं मैंने कौन कौन सा फ़ॉन्ट यहाँ पर चूज़ किए हुए हैं, और काफ़ी ज़्यादा यूनिक फ़ॉन्ट है ये। मैं यहाँ पर आपको एक और फ़ॉन्ट लगा कर दिखाता हूँ। यहाँ देख सकते हैं इस वाले फ़ॉन्ट को मैं सिलेक्ट करता हूँ, और उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कितना ज़्यादा कमाल का लग रहा है। उसके बाद गाइज अगर आप लोग यहाँ पर टाइपिंग वाले सेक्शन में जाएंगे, तो यहाँ देख सकते हैं टाइप कीजिएगा तो कुछ इस तरह का आपको फ़ॉन्ट जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। बहुत ही ज़्यादा कमाल का है, देखने में एकदम यूनिक सा लगता है। अगर आप लोग इसको फ़ॉन्ट को इस्तेमाल करेंगे ना, तो फिर फ़ोन चलाने का जो एक्सपीरियंस है गाइज वो नेक्स्ट लेवल का यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। सो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सारे फ़ॉन्ट्स को यहाँ पर डिलीट कर दिया है। यहाँ पर ये सैमसंग की तरफ से आने वाला फ़ॉन्ट्स है, मैं आप लोग को यहाँ पर सेटिंग में जाकर दिखा देता हूँ। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर अब कोई भी फ़ॉन्ट शो नहीं कर रहा है, ठीक है। अब मैं आप लोग को बताऊंगा फ़ॉन्ट्स कैसे आप लोग यहाँ पर इंस्टॉल कर पाएंगे। सबसे पहले जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आपको एक फोल्डर जो है वो डाउनलोड कर लेना है। तो सिंपली आपको चलना है यहाँ पर माई फाइल्स में। यहाँ पर आ जाने के बाद आपको डाउनलोड में चलना है, डाउनलोड में चलना है, और यहाँ पर आकर आपको फाइल जो है वो सर्च कर लेना है कहाँ पर है। तो यहाँ देख सकते हैं ये फाइल यहाँ पर आया हुआ है। सिंपली क्या करना है, इस पर टैप करना है और यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर देना है। इस पर टैप करना है और यहाँ पर एक्सट्रैक्ट पे टैप कर देना है, और ये सारा फाइल जो है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको बैक आना है और सर्च कर लेना है कि वो एक्सट्रैक्ट फाइल जो है वो कहाँ गया है। तो यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ, ये ऊपर की तरफ रहता है, यहाँ देख सकते हैं आ चुका है। अब क्या करना है गाइस, यहाँ पर इस फाइल को मूव कर लेना है अपने इंटरनल स्टोरेज में। क्या करना है, इस पर प्रेस एंड होल्ड करके रखिएगा और यहाँ पर ये सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद यहाँ पर मूव वाले ऑप्शन पे जाइएगा, इस पर टैप कीजिएगा और बैक आ जाइएगा। बैक आइएगा तो यहाँ पर मिल जाता है इंटरनल स्टोरेज, इस पर टैप करना है और यहाँ पर मूव हियर पे टैप करके इसको अपने इंटरनल स्टोरेज में मूव कर लेना है। मूव होने के बाद गाइज आप लोग नीचे आइएगा तो यहाँ पर ये फाइल जो है देखने के लिए मिल जाता है। सिंपली आपको इस पर टैप करना है और यहाँ पर जो पहला एप्लीकेशन देखने के लिए मिल जाता है ना, इस पर टैप करके इसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। इसको इंस्टॉल कीजिएगा तो ये परमिशन भी मांगेगा, तो आप लोग यहाँ पर परमिशन भी दे दीजिएगा। मैं आप लोगों को आगे दिखाता हूँ कैसे क्या करना है। सिंपली आपको यहाँ पर ओपन कर लेना है, ओपन कीजिएगा तो यहाँ पर परमिशन मांग रहा है, इस पर अलाउ करना है, और यहाँ पर आपके सारे फॉन्ट जो है वो आ चुके हैं। अब क्या करना है गाइस, आपको चूज कर लेना है कौन सा फॉन्ट आप लोग यहाँ पर लगाना चाहते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि 5 मैं बेस्ट फॉन्ट्स बताऊंगा आपके फोन के लिए। तो यहाँ पर गाइस 2 आपको नीचे देखने के लिए मिल जाते हैं, सिंपली आपको इस पर टैप करना है। यहाँ पर टैप कीजिएगा तो गाइस आपको यहाँ पर परमिशन जो है वो देना पड़ेगा। सिंपली आपको यहाँ पर सेटिंग्स पे जाना है और इसको परमिशन दे देना है। परमिशन देने के बाद ये गाइस खुद ब खुद यहाँ पर इंस्टॉल होने के लिए आ जाएगा। सिंपली आपको इस पर टैप करके यहाँ पर इसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। अब बैक आना है गाइस। अब यहाँ पर आपका जो कूल जज वाला फॉन्ट्स है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पर रोजमेरी, इस पर टैप करके इसको भी मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। यहाँ देख सकते हैं ये इंस्टॉल हो चुका है। इसके अलावा गाइस मैं बता दूं कौन सा फॉन्ट आपको और इंस्टॉल करनी है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं चोको कुकी ये वाला जो फॉन्ट है इसको इंस्टॉल करना है, इस पर टैप करना है और इसको इंस्टॉल कर देना है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं सिंपली आपको इस पर टैप करके इसको भी इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। ये भी काफ़ी अच्छा फॉन्ट है, इसको मैं इस्तेमाल कर रहा था जो कि मैंने दिखाया था आपको। या फिर गाइज आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि जो जो फॉन्ट आपको अच्छा लगे वो यहाँ पर इंस्टॉल भी कर सकते हैं। सिंपली गाइज इस पर टैप करना है और यहाँ पर ये इसका
लोगो जो है वो बनकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको लोगो देख देख कर इंस्टॉल कर लेना है कौन सा आपको फॉन्ट अच्छा लग रहा है, कौन सा फॉन्ट आपको अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। जैसे ये वाला फॉन्ट है, इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ, ये फॉन्ट काफ़ी अच्छा है, इसको मैं यूज़ करता हूँ। तो ऐसे कर करके गाइज आपको यहाँ पर फॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है, ये वाला भी फॉन्ट काफ़ी अच्छा है, इसको भी यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल हो जाने के बाद गाइज आपको यहाँ पर बैक आ जाना है। बैक आने के बाद गाइज आपको चलना है यहाँ पर सेटिंग में। सेटिंग में आ जाने के बाद आपको चलना है यहाँ पर डिस्प्ले में। डिस्प्ले में आने के बाद यहाँ पर चलना है फॉन्ट साइज एंड स्टाइल पे, इस पर टैप करना है और यहाँ पर चलना है फॉन्ट स्टाइल पे, इस पर टैप करना है। और यहाँ देख सकते हैं गाइज वो जो फॉन्ट थे ना जो आपने इंस्टॉल किए थे वो सारे फॉन्ट्स यहाँ पर आ चुके हैं। सिंपली आपको इस पर टैप करना है और ये आपके फ़ोन में फॉन्ट जो है वो अप्लाई हो जाएगा। कुछ इस तरह का आपको यहाँ पर फॉन्ट जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। काफ़ी कमाल का फॉन्ट है, इसको मैं काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहा हूँ, तो इसको आप लोग भी यहाँ पर इस्तेमाल कर पाएंगे। कुछ इस तरह का होगा, मैं आप लोग को यहाँ पर दिखा देता हूँ, देख सकते हैं ये इस तरह का फॉन्ट है, काफ़ी ज़्यादा कमाल का लग रहा है। तो ऐसे करके गाइज आप लोग यहाँ पर अपने फ़ोन में काफ़ी अच्छे अच्छे फॉन्ट जो है वो लगा पाएंगे। एक दो मैं और लगा कर दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर चोको कुकी है, इस पर टैप करूँगा और यहाँ पर देख सकते हैं चोको कुकी लग चुका है। तो आई होप गाइज आप लोग को यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी मेथड है, आप लोग अपने सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन में आसानी से फॉन्ट लगा पाएंगे। न्यू फॉन्ट लगाने के बाद आपके फ़ोन का जो लुक है ना वो बिल्कुल भी चेंज हो जाएगा, बहुत ही कमाल का आपको यूज़र इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा और काफ़ी मज़ा भी आएगा टाइपिंग करने में भी और टेक्स्ट पढ़ने में भी। आई होप गाइज आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं गाइज ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।